नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, इसमें चार प्रकार के आपके डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन लिए गए थे। तो उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी, उस करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे जो नाम था उसमें एक सीट में आपसे 6 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। हम सभी ने इंटरव्यू दे दिया होगा, आई होप सभी का इंटरव्यू अच्छा गया होगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक बार बोला था कि अगर आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं आपसे। तो उससे क्या होगा, अगली जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी को जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेना चाहते हैं और इंटरव्यू बुलाएंगे उनमें, तो उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो फ्रेंड्स, अब इंटरव्यू देने के बाद में आगे क्या होगा, आगे प्रोसेस क्या होगा, हमारा एडमिशन कैसे होगा, तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले हम आपको सीधे उस नोटिस पर लेके चलते हैं जिसमें पूरा आपको प्रोसेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको चार प्रकार के डिप्लोमा के लिए इंटरव्यू हुआ था, जिसमें चार कोर्स आपका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, तीसरा है आपका डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन और चौथा डिप्लोमा कोर्स है आपका CT स्कैन टेक्नीशियन। तो फ्रेंड्स, ये आपके चार डिप्लोमा थे, इनके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो सभी कोर्सेज में आपकी मैंने बता दिया था कि 30-30 सीटें हैं, यानी कि हर एक आपके कोर्स में 30-30 सीटें हैं, जिसमें 6 गुना आपके स्टूडेंट्स किसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूँ, सीधे लेके चलेंगे, मेरिट लिस्ट का परिणाम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरिट लिस्ट का परिणाम है जो कि आपको आ गया है। ये देखने के बाद में इसमें आपको साक्षात्कार के लिए भी बुला लिया गया है, तो इसमें आपका ये वाला भी फिनिश हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगली बात आ जाती है कि हमारे चयनित आवेदनकर्ताओं का जो प्रवेश तिथि है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू हुआ है इसमें आपको जो चयनित छात्र हैं उन्हें बुलाया कब जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये डेट है इसमें बुलाने की, तो ये अंतिम तिथि पहले देखें, अंतिम तिथि कब की है। तो अंतिम तिथि आपकी 25/9/2021, जिसका विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो 25/9 यानी कि आज ही के दिन जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, वो इंटरव्यू के लिए गए थे, तो उनका आज रिजल्ट आ जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में रिजल्ट में नाम आएगा, तो उन स्टूडेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट के साथ में और DD के साथ में आपको कॉलेज में ले जाना है और अपना दाखिला लेना है। तो फ्रेंड्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और DD कितने का लगेगा, किसके नाम से बनेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वीडियो पर लिंक पर क्लिक करें, तो आपको विस्तार रूप से आपको मिल जाएगा कि आपको वहाँ पे लेकर क्या क्या जाना है, कहाँ से बनवाना पड़ेगा, सारी आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वेट करें, जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, घोषित होता है, तो आपको हम सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि ये आपका रिजल्ट आ गया है। अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख लें, अपना रिजल्ट चेक कर लें, कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे ये बताएं कि आपसे जिस स्टूडेंट्स को MRI टेक्नीशियन या डायलिसिस जो भी मिला है, आपका CT स्कैन से मिला है, तो आपसे किस कोर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आपको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखना है, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके रखना है, क्योंकि आपको महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से जरूरी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।